इस अवसर पर डॉक्टर दिनेश वस्त्रगुप्ता जी, पूर्व सांसद उपाध्यक्ष रामकुमार जी, मुंबई प्रबोधनी से हमारे महापौर श्रीमती मालती राय जी, डॉक्टर श्री श्रावण जी संस्था प्रकार अर्थ साइड फाउंडेशन, डॉक्टर जयंत कुलकर्णी जी कार्यकारी निदेशक रामपद मोहन जी प्रबोधनी, लोकेश शर्मा जी कार्यक्रम अधिकारी इस संस्थान में जहां हम बैठे हैं, डॉक्टर सुरेश कुमार पांडे जी और उपस्थित सभी बहने और अंतरिक्ष दिवस पे कोई बात करने के पहले में कल्पना करना कि अंतरिक्ष की बात की शुरुआत हम अपने सौरमंडल की उत्पत्ति से देखने के लिए चलेंगे तो ध्यान में आएगा कि चंद्रमा की उत्पत्ति कैसे हुई। ऐसा तो माना तो वैसे भी आता, मैं तो उज्जैन वाला हूँ, वहां तो और आगे सोच के वो पृथ्वी पुत्र मंगल को मानते हैं और पृथ्वी पुत्र मंगल का पहले कोई ऐसा पृथ्वी का बड़ा भूखंड था, कोई उल्का पिंड गिरा जिससे मंगल टूट के लग गया, तो वो मंगल आज भी उस अवस्था में, चूंकि उसका बाकी ग्रहों की तुलना में वो उम्र से कम होगा तो वो लाल स्वरूप में है और पृथ्वी का पुत्र माना जाना है, वो घटना जहाँ हुई होगी ऐसे काल के प्रभाव इस कारण से कहते हैं, लेकिन ऐसा मानते होते हैं कि वो उत्पत्ति या टकराने का स्थान उज्जैन था, ये इसके कारण से मंगल के सभी पूजा मानी चालू के लिए उज्जैन की विशेष महत्ता है। ये भी मानते हैं कि आर्यभट्ट ने इसलिए रचनाओं में खास करके उनके ज्ञान में स्थान पर लेकर के उसका लाभ लिया। ये बात भी सही है कि कोई तो कारण है कि हमारी ज्योतिष गणना के बलबूते पर अपना आज भी गणित फेल है, लेकिन हमारे पंचांग पद्धति से सभी प्रकार के ग्रह नक्षत्र की गणना करते हुए सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण बिल्कुल सटीक बता है। अभी से लगा कि आज का 10 साल पहले का, 100 साल पहले का, 1000 साल पहले का भी वो अभी तुरंत निकाल देते हैं कि ये सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण किस समय की वजह से समय होगा। ये बहुत सारी बातें, उसमें से एक बात और महत्व की है, जो अंतरिक्ष की बात आती है तो अंतरिक्ष में उपग्रह की बात अपन कर रहे हैं, तो उपग्रह में ग्रहों की बात तो हमने मंगल तो ग्रह थे उपग्रह पे आते हैं, तो उपग्रह पृथ्वी का बना है, ऐसे हर ग्रह के अलग अलग उपग्रह हैं। गुरु के ऐसा मानते कि 29 उपग्रह हैं, लेकिन अभी तो हमारे लिए पृथ्वी पे एक ही उपग्रह है और एक उपग्रह भी कितने दिन में बना है। आजकल बहुत अच्छी एक ऑब्जर्वेटरी बनी है हमने उज्जैन में, लेकिन ये साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की है उज्जैन में, एक अच्छा तारामंडल बनाया है वहाँ, उसकी स्टोरी बताते हैं कि चंद्रमा पे पृथ्वी का फिर वही एक घटनाक्रम घटता है, एक उल्का पिंड ऊपर से गिरता है और धूल का गुबार उठता है और धूल का गुबार अपने गुरुत्वाकर्षण की कक्षा से बाहर नहीं आता, तो पहले तो लंबाकार 15 दिन लेते रहते, वो धीरे धीरे गोल बन करके और उस गुरुत्वाकर्षण के कारण से वो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। इसीलिए ये वर्तमान के चंद्रमा, इन चंद्रमा की आयु कितनी हो सकती है, लेकिन उत्पत्ति के समय से बनने की आयु 1 ही महीने की, 1 महीने के अंदर चंद्रमा अपनी इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने लगा है। अब वो उनका पाप कब हुआ होगा मुझे नहीं मालूम, ये भी इसे लंबा हो सकता है, लंबा समय है, लेकिन हमारे अपने इस अंतरिक्ष वाले घटनाक्रम में एक उल्कापात मोदी जी के समय हुआ, तो हमारी एक बेटी ने जाकर के चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में अपना चंद्रयान उतारा, ये है ना चंद्रयान 3 की लैंडिंग हुई ना, जिसके कारण से अंतरिक्ष देगा हमारा चंद्रमा चालू हुआ, जिसको अपनी दशा में बात कर सकते हैं। और इसीलिए मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज के लिए जो बात रही है अपने बीच में से, तो मैं नाम देख रहा था बेटियों के, तो चंद्रमा पे तिरंगा लहरा करके डंका बजाने वाले चंद्रयान 2 की भी डायरेक्टर एक महिला वैज्ञानिक, वो थैया विनीता जी, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ इनके कारण से, और चंद्रयान 3 की भी डायरेक्टर ऋतु करिधल, ये भी 54 महिलाओं बहनों के साथ में
उन्होंने ये कमाल किया, इसलिए उनको भी बधाई देते हैं। वैज्ञानिक निगार साजी महिला जो केवल अब चंद्रयान और इसकी बात नहीं कर रहे, तो मंगलयान की बात कर रहे हैं, आदित्ययान की बात कर रहे हैं, हर एक में बहनों का योगदान है। और रक्षाबंधन गया नहीं, अभी इसी महीने चली रहा समझ दो अभी तो हमारे लिए ये निगार साजी महिला ने, हमारी बहन ने, आदित्य एल1 उपग्रह का भी इन्होंने ही नेतृत्व किया, इनको भी बधाई देता हूँ। ये पहली हमारी ऐसी बहन है जिसने अंतरिक्ष की सौर वेधशाला की प्रोजेक्ट डायरेक्टर बनी, उनको भी बधाई देता हूँ। बात जब कर रहे हैं तो बहुत सारे और भी नाम है जिनका विश्व पटल पे अपना महत्व है। एक जानकी अम्माल है, एक असीमा चटर्जी है, अन्ना मणि। न्यूज 18 की टीम जब पहली मंजिल पर पहुंची तो वहां पर सुरक्षा को लेकर कई लापरवाहियां देखने को मिली हैं, और पहली मंजिल से होकर दूसरी मंजिल में जाने के रास्ते में लोगों की सुरक्षा के लिए ना तो कोई गार्ड मिला और ना ही कोई सीसीटीवी कैमरा नजर आया। यहां पर फीमेल मेडिकल है और आप देखिए कि यहां पर एक महिला सुरक्षा गार्ड तैनात है। निश्चित रूप से जब इस तरह की सुरक्षा व्यवस्था देखी जाती है तो एक ताकत मिलता है हर किसी को, और यहाँ पर वो चीजें तो दिखाई दे रही है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक चीज नजर आ रहा है कि ये डॉक्टर एस के नायक जो MS है उनका कार्यालय है। यहाँ पर जो है सुरक्षा गार्ड जो है वो बैठे हुए थे। इसके साथ ही यहाँ पर एक जगह आपको दिखाई दे रहा होगा, ये ताला लगा हुआ है, यहाँ पर सुरक्षा गार्ड बैठे हुए हैं। लेकिन आपने एक चीज गौर किया होगा, जब प्रथम तल से दूसरे माले तक हम जब आ रहे थे तो ना तो हमको वहां पर सुरक्षा गार्ड वहां पर दिखाई दिया और ना ही सीसीटीवी कैमरे दिखाई दिए। यहाँ पर कितने सीसीटीवी कैमरे लगे? एक है अंदर में। अंदर में? बाहर में? बाहर से नहीं देखा आपने? कितने गार्ड लगे, कितने यहाँ पे? मैं तो मैं अकेला हूँ। यहाँ आप अकेले हैं इस पूरे फ्लोर में? इस फ्लोर में केवल आप अकेले हैं? क्या क्या वार्ड है इस फ्लोर में? फीमेल मेडिकल वार्ड है, इमरजेंसी वार्ड और अधीक्षक कार्यालय, और केवल एक गार्ड है। देखिए ये एक बड़ी बिल्डिंग है और केवल एक गार्ड है, आप समझिए कि सुरक्षा कैसे हो सकती है। यहाँ पर एक मेल जो है, वो जो महिला थी वो कौन? कौन? कैदी, कैदी को सुरक्षा के लिए है यहाँ पर लेके आई हुई जी। अच्छा, वो जो आपको एक लेडी जो मैडम दिखी थी पुलिस की वर्दी में, वो एक्चुअल में पुलिस की टीम है यहाँ पर कैदी को लेके आई हुई। तो आप और चलिए सीधे रुख करेंगे संवाददाता उमेश मौर्य जुड़ गए। उमेश, वाकई में हैरान करने वाली बात है कि जब जिले का सबसे बड़ा अस्पताल यानी कि न्यायधानी का सबसे बड़ा अस्पताल, वही अगर सुरक्षित नहीं है, खासतौर पर महिलाओं के लिए और उन मासूम बच्चों के लिए जिनकी चोरी हो जाती है, तो फिर पर इंतजाम के नाम पर क्या है? देखिए बिलासपुर संभाग का ये सबसे बड़ा अस्पताल है, लगभग 750 बेड है। अब आप समझिए कि जब न्यूज़ 18 की टीम रात 12 बजे वहाँ पर जब रियलिटी चेक करने गई तो वहाँ पर महज 25 से 30 जो है वो सुरक्षाकर्मी नजर आए। आप समझिए कि 4 मंजिला इस इमारत में 25 गार्ड के भरोसे वहाँ पर सुरक्षा है। इसके साथ ही वहाँ पर 91 कैमरे लगे हुए हैं, जो 60 कैमरे बंद है और जो मॉनिटरिंग कक्ष है वहाँ पर ताला जड़ा हुआ है। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से सिम्स में को लेकर चूक है। वहां पर जिन वहां पर जो डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, उनसे हमारी जब बात हुई तो उनका यह कहना था, उन्होंने यह महसूस किया कि वहां पर सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो बढ़ाए जाने चाहिए, इसके साथ ही जो सुरक्षा गार्ड है वो बढ़ाने चाहिए। चूंकि 4 मंजिला है और 4 मंजिले तक अगर आप सफर करेंगे, वहां पर अलग अलग वार्डों में जाएंगे तो लंबी दूरी तय करनी पड़ती है, और उस दूरियों में हमने देखा कि किस तरीके से गार्ड का अभाव था, सीसीटीवी कैमरे के अभाव थे, और कहीं ना कहीं यही सब बड़ी जो है वो एक बड़ी चूक निकल कर सामने आई है, और इससे कभी ना कभी कोई अप्रिय घटना हो सकती है, इस तरह की वहां पर अंदेशा जाहिर किया जा सकता है। लेकिन ये जरूर है कि इस पूरे मामले को लेकर जब कोलकाता में डॉक्टर के साथ अहमानियत हुई, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, हत्या कर दी गई, उसके बावजूद सिम्स प्रबंधन इस तरीके से एक्शन नहीं ले रहा है, उससे सीख नहीं ले रहा, सबक नहीं ले रहा है, ये आश्चर्यजनक बात है। फिलहाल देखना होगा कि अब क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर सिम्स प्रबंधन करता है, क्योंकि 4 मंजिला बिल्डिंग है, 25 और 30 गार्ड के भरोसे तो इस बिल्डिंग की सुरक्षा हो नहीं सकती, 92 कैमरे से तो सुरक्षा हो नहीं सकती, वो भी जो 92 कैमरे हैं वो भी 60 उनमें से खराब है। तो कहीं ना कहीं कुल मिलाकर सवाल या निशान खड़े होते हैं सुरक्षा को लेकर सिम्स में, और इसको देखना होगा कि किस तरीके से
आगे जिला प्रशासन और सिम्स प्रबंधन इसको एक्शन लेता है, क्या कुछ वहां पर सुरक्षा के उपाय करता है? जी